मित्रों नमस्कार, चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं हूं सीपी सर। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बंगाल में 18वीं शताब्दी में जो स्थिति थी उसकी, औरंगजेब के बाद बंगाल की क्या स्थिति थी उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे, और इसमें विशेष रूप से औरंगजेब की मृत्यु और सिराजुद्दौला के यानी प्लासी के युद्ध के पहले की स्थिति की हम थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा कंसेप्चुअल हम प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं, इसलिए हम इनको थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर करेंगे। 18वीं शताब्दी में बंगाल की स्थिति, ये हमारा टॉपिक है, 18वीं शताब्दी में बंगाल की स्थिति। 18वीं शताब्दी में बंगाल की क्या स्थिति थी उस पर चर्चा करने से पहले थोड़ा सा हम इस डायग्राम के माध्यम से आपको बंगाल की वास्तविक स्थिति से परिचय कराएंगे। आज जिसको हम पश्चिमी बंगाल कहते हैं, कि बंगाल में केवल पश्चिमी बंगाल शामिल नहीं था, बंगाल भारत के एक बड़े प्रांतों में से एक बड़ा प्रांत, मतलब बड़े प्रांतों में एक प्रांत शामिल था, और तत्कालीन समकालीन बंगाल में पूरा बिहार सम्मिलित था, आज का पूरा झारखंड सम्मिलित था, उड़ीसा सम्मिलित था, पश्चिमी बंगाल पूरा सम्मिलित था, पूरा बांग्लादेश सम्मिलित था और असम के कुछ हिस्से सम्मिलित थे। इतने बड़े भाग को मिलाकर एक राज्य बनता था जिसका नाम था बंगाल। तो बंगाल में एक बहुत बड़ा प्रांत था और सबसे समृद्ध प्रांत उस समय बंगाल ही था। अब हम यहां की स्थिति को ले चलते हैं आपको, फिर थोड़ा मुगल साम्राज्य पर ले चलते हैं। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। किसकी? औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तब फिर एक बार मुगल सत्ता के लिए या मुगल गद्दी के लिए संघर्ष होता है, जिसमें बहादुर शाह प्रथम विजयी होता है। बहादुर शाह की को जब बहादुर शाह मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है, तब तक तो स्थिति थोड़ी ठीक रहती है, इसीलिए कहा जाता है कि मुगल बादशाह जो बहादुर शाह प्रथम था, यह अंतिम मुगल बादशाह था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। यानी समझ रहे हैं कि अच्छे शब्द कहने का मतलब, यहां तक वह शासक था जिसके बारे में कहा जा सकता है कि मुगल साम्राज्य सही था। औरंगजेब के बाद से ही एक तरीके से मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है, लेकिन बहादुर शाह प्रथम का जो समय था उस समय तक यह कहा जा सकता है मुगल साम्राज्य के बारे में कुछ अच्छी बातें कही जा सकती हैं, इसीलिए कहा जाता है अंतिम शासक था जिसके बारे में कुछ अच्छी बातें कही जा सकती हैं। बहादुर शाह का जो शासन था वो 1707 से लेकर के और 1712 ईस्वी तक था। 1712 ईस्वी में मृत्यु के बाद, बहादुर शाह की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल शासक बनता है, मुगल गद्दी पर बैठता है, सम्राट की गद्दी पर बैठता है, लेकिन एक साल के बाद में ही जहांदार शाह की सैयद बंधुओं ने मिलकर हत्या कर दी और 1713 ईस्वी में जहांदार शाह की जगह फर्रुख सियर को, किसको? फर्रुख सियर को मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बिठाया। कब? 1713 ईस्वी में फर्रुख सियर को मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठाया, और ये वही सैयद बंधु हैं जिनको किंग मेकर की भूमिका में, इन्हें किंग इन्हें किंग मेकर कहा जाता था, इन सैयद बंधुओं को किंग मेकर कहा जाता था, हम उसकी चर्चा अलग से करेंगे। तो फर्रुख सियर के गद्दी पर बैठने के बाद उसने क्या किया, 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां को, जब मुगल साम्राज्य का अधिपत्य था यानी औरंगजेब और बहादुर शाह और जहांदार शाह का शासनकाल था, तब तक बंगाल जो है वह मुगल साम्राज्य का एक हिस्सा था। 1713 ईस्वी में जब फर्रुख सियर गद्दी पर बैठता है उस समय भी बंगाल मुगल साम्राज्य का ही हिस्सा था, और इसका जो उप सूबेदार था वो था मुर्शीद कुली खां। कौन? मुर्शीद कुली खां बंगाल का उप सूबेदार था। लेकिन 1717 ईस्वी में फर्रुख सियर ने, किसने? फर्रुख सियर ने मुर्शीद कुली खां को, किसको? मुर्शीद कुली खां ने को फर्रुख सियर ने बंगाल का सूबेदार बना दिया। सूबेदार का मतलब होता है प्रांताध्यक्ष। अभी यह उप सूबेदार था और उसकी जगह क्या बना दिया? सूबेदार यानी प्रांताध्यक्ष बना दिया। और जब मुर्शीद कुली खां बंगाल का सूबेदार बन गया, तो कुछ दिनों के पश्चात उसने मुगल साम्राज्य से अपने को स्वतंत्र कर लिया।
अब यहां थोड़ा आपको फिर ले चलते हैं, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जैसे जैसे मुगल साम्राज्य कमजोर होता जा रहा था, उसके जो बड़े राज्य थे वो धीरे धीरे अपनी स्वाधीनता स्थापित करते चले गए। धीरे धीरे बंगाल अलग हो गया, बंगाल मुगल साम्राज्य से अवध आगे चलकर अलग हो गया, और इसी तरीके से हैदराबाद भी आगे चलकर मुगल साम्राज्य से अलग हो जाता है। क्योंकि मुगल साम्राज्य जैसे जैसे कमजोर होता है वैसे वैसे उसके राज्य उससे अलग होते जाते हैं, यानी स्वतंत्र राज्य बनते चले जाते हैं। तो मुर्शीद कुली खां वह अंतिम सम्राट था या अंतिम बंगाल का शासक था जिसकी नियुक्ति मुगल सम्राट द्वारा की गई थी। ये ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन चूंकि आ चुका है कि कौन सा ऐसा बंगाल का कौन सा ऐसा शासक था जिसकी नियुक्ति अंतिम शासक कौन था जिसकी नियुक्ति मुगल सम्राट द्वारा की गई थी, तो ये मुर्शीद कुली खां ही था जिसकी नियुक्ति मुगल सम्राट द्वारा की गई थी। इसके बाद मुर्शीद कुली खां ने बंगाल को स्वतंत्र राज्य बना दिया और बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद में स्थापित की। मुर्शिदाबाद की थोड़ी सी स्थिति हम आपको दिखाना चाहेंगे। मुर्शिदाबाद प्लासी से उत्तर में स्थित है, देख रहे हैं, ये ढाका हो गया, कलकत्ता हो गया, मुंगेर हो गया, मुर्शिदाबाद हो गया और चंद्रनगर हो गया। ये थोड़ा सा आप डायग्राम अपने दिमाग में बैठाए रहिएगा। तो मुर्शिदाबाद, ये स्थिति है मुर्शिदाबाद की। मुर्शिदाबाद पहले ढाका राजधानी थी, वहाँ से उसने शिफ्ट करके कहाँ स्थापित कर दी, मुर्शिदाबाद। ये मुर्शिदाबाद उसी के नाम पर इस शहर का नाम रखा गया था, मुर्शीद कुली खां के नाम पर ही इसका नाम मुर्शिदाबाद रखा गया था। 1727 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां की मृत्यु हो जाती है। अब चूंकि मुर्शीद कुली खां को कोई पुत्र नहीं था इसलिए उसका जो दामाद था, तो दामाद सुजाउद्दीन था, सुजाउद्दीन उसकी मृत्यु के बाद बंगाल की गद्दी पर बैठता है। सुजाउद्दीन ने 1727 ईस्वी में जब सुजाउद्दीन बंगाल की गद्दी पर बैठता है तो 1732 ईस्वी में सुजाउद्दीन ने अली वर्दी खां नामक एक व्यक्ति को बिहार का उप सूबेदार नियुक्त करता है। सुजाउद्दीन ने 1732 ईस्वी में अली वर्दी खां को बिहार का क्या नियुक्त करता है, उप सूबेदार नियुक्त करता है या नायब निजाम नियुक्त करता है। ठीक, अब देखना है, ध्यान रखिएगा, अली वर्दी खां एक योग्य व्यक्ति था, अली वर्दी खां एक योग्य व्यक्ति था, और जब 1739 ईस्वी में सुजाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है, कब, 1739 ईस्वी में जब सुजाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है तब उसका पुत्र सरफराज खां, कौन, सरफराज खां किसका पुत्र था, सुजाउद्दीन का पुत्र सरफराज खां बंगाल की गद्दी पर बैठता है। लेकिन बाप को बता दें कि सरफराज खां एक बिलासप्रिय और अयोग्य शासक था, जो कि प्रशासन जिसका प्रशासन में कोई ज़्यादा रुचि नहीं थी। अब अली वर्दी खां एक योग्य व्यक्ति था जो कि बिहार का उप सूबेदार था, और बंगाल का जो शासक था वो सरफराज खां था जो एक बिलासप्रिय और अयोग्य शासक था। अली वर्दी खां को उस समय लगा कि यह उचित अवसर है, तो अली वर्दी खां एक योग्य व्यक्ति था जो बिहार का उप सूबेदार नियुक्त हुआ था, और सरफराज खां जो कि बंगाल का शासक था वह अयोग्य और बिलासपुरी शासक था, और वो उसका शासन कार्यों में बहुत अभिरुचि उसकी नहीं थी। तो अली वर्दी खां को लगा कि यह उपयुक्त मौका है बंगाल की गद्दी को हथिया लेने का या बंगाल की गद्दी को अपने आधिपत्य में कर लेने का। इसी उद्देश्य से अली वर्दी खां मुर्शिदाबाद की ओर बढ़ता है। कहाँ, अली वर्दी खां मुर्शिदाबाद की ओर बढ़ता है, और 10 अप्रैल 1740 ईस्वी को, कब, 10 अप्रैल 1740 ईस्वी को मुर्शिदाबाद पर आक्रमण कर देता है, और गिरिया के युद्ध में 10 अप्रैल 1740 ईस्वी को गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को पराजित कर उसकी हत्या कर देता है। इस तरीके से आपसे पूछा जाए गिरिया का युद्ध किसके बीच संपन्न हुआ था, तो आप क्या उत्तर देंगे, गिरिया का युद्ध अली वर्दी खां और सरफराज खां के बीच संपन्न हुआ था। कब संपन्न हुआ था, 10 अप्रैल 1740 ईस्वी को हुआ था। क्यों संपन्न हुआ था, क्योंकि अली वर्दी खां सरफराज खां जो कि एक अयोग्य शासक था उसको अपदस्त कर बंगाल की गद्दी पर आधिपत्य करना चाहता था या उसके अपने अधिकार में करना चाहता था।
1740 ईस्वी में जब बंगाल की गद्दी अली वर्दी खां के हाथों में आ गई, तो चूंकि मैंने बताया था अली वर्दी खां एक योग्य व्यक्ति था, तब सबसे पहले उसने बंगाल के लिए, अली वर्दी खां ने बंगाल को अपने अधिपत्य में किया है, इसके लिए वह तत्कालीन मुगल सम्राट मुहम्मद शाह से, ये वही मोहम्मद शाह है जिन्हें मोहम्मद शाह रंगीले कहा जाता है, मोहम्मद शाह से वह एक कन्फर्मेशन प्राप्त करता है, एक पुष्टि पत्र प्राप्त कर लेता है। और पुष्टि पत्र जैसे ही, और पुष्टि पत्र भी आसानी से नहीं थे, धन देकर वह पुष्टि पत्र प्राप्त करता है, कन्फर्मेशन वह पैसे देकर, धन देकर वह मोहम्मद शाह से पुष्टि पत्र प्राप्त कर लेता है, यानी कि अब मुगल सम्राट ने बंगाल की गद्दी पर अली वर्दी खां को वैधानिक रूप से स्वीकार कर लिया। यह जो है कन्फर्मेशन धन देकर मोहम्मद शाह से अली वर्दी खां प्राप्त कर लेता है। बंगाल पर 1740 से 1751 के बीच में मराठे प्रतिवर्ष आक्रमण किया करते थे। बंगाल पर 1740 से लेकर 1751 के बीच में मराठे प्रतिवर्ष आक्रमण करते रहे, और मराठों का केवल दो ही उद्देश्य था, वो उड़ीसा को अपने कब्जे में करना चाहते थे, क्योंकि उड़ीसा भी बंगाल का एक भाग था, तो उड़ीसा को अपने कब्जे में करना चाहते थे, और दूसरा बंगाल पर आक्रमण कर हुए बंगाल से चौथ वसूल करना चाहते थे। हर साल आक्रमण झेलते झेलते अंत में अली वर्दी खां त्रस्त हो गया और थक हार कर उसने मराठों से एक समझौता कर लिया। समझौते की शर्त के अनुसार, क्या था समझौता दोनों के बीच में, समझौते की शर्त के अनुसार अली वर्दी खां ने उड़ीसा का एक भाग जो है वह मराठों को दे दिया। उड़ीसा का एक भाग वह मराठों को दे देता है और 12 लाख रुपए वार्षिक, कितना, 12 लाख रुपए वार्षिक वह चौथ देने के लिए तैयार हो जाता है। उड़ीसा का एक भाग जब दे देता है तो स्वर्ण रेखा नदी के दक्षिण वाला जो भाग होता है वह मराठों के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है, और स्वर्ण रेखा नदी को ही मराठों की और बंगाल की यानी अली वर्दी खां की सीमा निर्धारित कर दी जाती है। तो यह भी ध्यान रखिएगा कि 18वीं शताब्दी में मराठों और बंगाल के बीच में कौन सी नदी सीमा रेखा बनाती थी, तो ध्यान में रखिएगा कौन सी नदी थी, वो स्वर्ण रेखा नदी थी। ठीक, अब उड़ीसा का एक भाग जब मराठों को प्राप्त हो जाता है और प्रतिवर्ष अली वर्दी खां 12 लाख रुपए वार्षिक देने के लिए तैयार हो जाता है, तब मराठों का आक्रमण समाप्त हो जाता है। यानी 1740 से 51 के बीच में लगभग 11 वर्षों तक प्रतिवर्ष मराठे आक्रमण करते रहे, और इस तरीके से बंगाल से उन्होंने उड़ीसा का एक भाग और 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ वसूल किया। अली वर्दी खां ज़्यादा दिन शासन नहीं कर पाया, लेकिन उस समय जो यूरोपीय कंपनियां थीं उनका काफ़ी प्रभाव हो चुका था, क्योंकि आप देख रहे हैं ये लगभग 1751 की स्थिति आ चुकी है व्यापारियों का। अब इन व्यापारियों के स्वभाव के अनुसार ही अली वर्दी खां यूरोपीय व्यापारियों पर एक स्टेटमेंट देता है, एक कथन देता है, एक कथन कहता है, और उनकी तुलना, इन यूरोपीय व्यापारियों की तुलना वह मधुमक्खियों से करता है। किससे करता है? यूरोपीय व्यापारियों की उपमा वह मधुमक्खियों से करता है। क्या कहता है इन यूरोपीय व्यापारियों को? यह कहता है कि यदि इन्हें छेड़ा न जाए तो ये शहद देंगी, और यदि इन यूरोपीय व्यापारियों को, पूरे उसमें चाहे फ्रांसीसी हों चाहे अंग्रेज हों, सबके लिए वह कहता है यदि इन यूरोपीय व्यापारियों को छेड़ा न जाएगा तो यह शहद देंगी, जैसे मधुमक्खियां शहद देती हैं, लेकिन यदि इन्हें छेड़ा जाएगा तो एक काट काट कर मार डालेंगी। यह उपमा भी कई बार पूछा जा चुका है कि यूरोपीय कंपनियों या यूरोपीय व्यापारियों की तुलना किस शासक ने मधुमक्खियों से की है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अली वर्दी खां। 1756 ईस्वी में, अप्रैल 1756 ईस्वी में अली वर्दी खां की मृत्यु हो जाती है। अब चूंकि अली वर्दी खां को कोई पुत्र नहीं था, उसकी केवल 3 बेटियां थीं, तो उसी 3 बेटियों में उसकी जो सबसे छोटी बेटी थी, उस छोटी बेटी का बेटा था मिर्ज़ा मोहम्मद को उसने सिराजुद्दौला की उपाधि प्रदान करके अपना उत्तराधिकारी, उसने चूंकि मिर्ज़ा मोहम्मद को ही उसने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तो जब अप्रैल 1756 ईस्वी में अली वर्दी खां की मृत्यु हो जाती है,
तो उसकी सबसे छोटी बेटी का जो बेटा होता है मिर्ज़ा मोहम्मद, ध्यान रखिएगा सिराजुद्दौला का एक पूरा मतलब बचपन का नाम मिर्ज़ा मोहम्मद होता है, यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है, इसलिए मैं मिर्ज़ा मोहम्मद शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ कि मिर्ज़ा मोहम्मद को उसने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो अप्रैल 1756 ईस्वी में मिर्ज़ा मोहम्मद सिराजुद्दौला के नाम से बंगाल की गद्दी पर बैठता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिराजुद्दौला और उसके बाद की बंगाल की स्थिति। इस वीडियो में इतना ही। तो ये वीडियो आप एक एक लाइन ये सुनिएगा, एक एक शब्दों को सुनिएगा, तो इतने जितने इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं और जितने कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको लगेगा, आपके दिमाग में एक प्रतिबिंब चलता जाएगा कि ये घटनाएं ऐसे घटित हुई होंगी और निश्चित रूप से आप उसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन को भी और फैक्चुअल क्वेश्चन के भी सारे उत्तर दे पाए। चलिए आइए इस जो हमने अभी डेमो वीडियो देखा है मॉडर्न हिस्ट्री का, इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उन पर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसे आसान प्रश्न आ जाते हैं, उससे मॉडरेट प्रश्न कैसे आते हैं और कैसे उसी टॉपिक से कठिन क्वेश्चन बना लिए जाते हैं और हमें लगता है कि जो हमने पढ़ा था वो कम था। और इसीलिए मैं केवल एक ही सलाह इस बार मैं बराबर दे रहा हूँ कि केवल आप NCERT पढ़िएगा, बाकी हमारे वीडियोज़ को देखिएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने नए क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं उन पर भी हमारी पूरी नज़र है, जितने कठिन क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं उस पर भी हमारी नज़र है। तो हमारी कोशिश है कि आपको अतिरिक्त कुछ दिन लिखने या पढ़ने की ज़रूरत न पड़े सिवाय NCERT के। NCERT पढ़िएगा और हमारे वीडियोस की एक एक लाइन को बहुत ढंग से सुनिएगा, समझिएगा और हम कोशिश करेंगे कि आपको जितने सरल क्वेश्चन हैं, जितने मॉडरेट क्वेश्चन आ रहे हैं और जितने कठिन क्वेश्चन भी आ रहे हैं उस सब को भी आप करने में सक्षम हों। तो चलिए एक प्रश्न यहाँ भी मैं वही तीन स्तर के मैं प्रश्न आपके सामने फिर रख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, हम एक क्वेश्चन रख रहे हैं आपके सामने कि मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त अंतिम बंगाल का शासक कौन था। इस प्रश्न को आप चूंकि हमने वीडियोस में चर्चा की है तो आप इसको आसानी से कर ले जाएंगे। ये इस प्रश्न में सरल में रख रहा हूं कि ये प्रश्न जो है आपका सरल होगा। जैसे ऑप्शन सुनिएगा, अली वर्दी खां, ऑप्शन बी सिराजुद्दौला, ऑप्शन सी सुजाउद्दीन, और ऑप्शन डी मुर्शीद कुली खां। ठीक, ये प्रश्न आपके सामने है और चूंकि इस प्रश्न की वीडियोस में मैंने चर्चा की है तो इसको आप आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक, तो आप आसानी से कर ले जाएंगे, सही उत्तर क्या होगा आप जानते भी होंगे, वीडियोस को देखेंगे तो आसानी से इसको कर ले जाएंगे। और हमने जैसे उसमें चर्चा भी किया है कि मुगल सम्राट द्वारा अंतिम जो बंगाल का शासक नियुक्त होता है वह मुर्शीद कुली खां होता है। 1717 ईस्वी में जब पहले तो औरंगजेब के टाइम में मुर्शीद कुली खां बंगाल का उप सूबेदार होता है, 1717 ईस्वी में फर्रुख सियर इसको जो है बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर देता है। तो अंतिम शासक, बंगाल का शासक या अंतिम सूबेदार जो है वह मुर्शीद कुली खां होता है। इस वीडियो को देख करके आप इस प्रश्न को आसानी, ये प्रश्न आपके लिए आसान क्यों है, यह प्रश्न UPPCS मेंस का है, प्री का भी नहीं है, मेंस का प्रश्न है। आसान आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि वीडियोस में हमने चर्चा इसकी कर दी है और जो चीज आप पढ़े होंगे वो आप समझेंगे कि ये प्रश्न हमने पढ़ा है इसलिए ये हमारे लिए आसान है। प्रश्न तो वह कठिन होता है जिसको आपने सुना भी नहीं है,
प्रश्न वह कठिन होता है जिसको भी बारे में आपने जाना भी नहीं है, ठीक, या प्रश्न का स्वरूप थोड़ा चेंज करके भी प्रश्न को कठिन कर देते हैं। यह प्रश्न है तो मेंस का प्रश्न, लेकिन यह आसान इसलिए है कि वीडियो में हमने इसकी चर्चा की है, इसलिए आप इसको आसानी से कर लिए। लेकिन दूसरा प्रश्न मैंने आपके सामने रख दूं, उसी टॉपिक से मैं दूसरा प्रश्न रख दूं, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। जैसे प्रश्न है, गिरिया का युद्ध, हालांकि इसकी भी मैं चर्चा किया हूं आपको थोड़ा सा, लेकिन इससे टफ होगा, ये मॉडरेट हो जाएगा क्वेश्चन, गिरिया का युद्ध, क्योंकि यह युद्ध ऐसा है जिसकी चर्चा कम की जाती है, इतिहास में इस युद्ध की चर्चा कम की जाती है, लेकिन चूंकि वीडियो में मैं चर्चा कर चुका हूं इसलिए आपके लिए आसान होगी। गिरिया का युद्ध किसके बीच लड़ा गया, ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन ए अंग्रेजों और अली वर्दी खां के बीच, ठीक, ऑप्शन बी सुनिएगा, अली वर्दी खां और सरफराज खां के बीच, ऑप्शन सी शुजाउद्दीन और मुर्शीद कुली खां के बीच, और ऑप्शन डी अली वर्दी खां और मुर्शीद कुली खां के बीच। आप इस प्रश्न को आसानी से करने जाएंगे, इसकी डेट भी आपको पता है क्योंकि उसमें हमने चर्चा, वीडियो में हमने पूरी चर्चा की है, मुर्शीद कुली खां के बीच। तो इसमें सही प्रश्न, सही उत्तर क्या होगा, आप वीडियोस देख रहे होंगे, वीडियोस को फिर देखिएगा और आप आसानी से समझ जाएंगे कि गिरिया का युद्ध जो 10 अप्रैल 1740 ईस्वी को हुआ था, कब, 10 अप्रैल 1740 ईस्वी को गिरिया का युद्ध हुआ था, किसके बीच में हुआ था, याद आया, वीडियोस में हमने चर्चा किया था कि अली वर्दी खां ने, जो कि बिहार का उप सूबेदार था, जब देखा कि सरफराज खां अय्याशी कर रहा है, शासन कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है, बिलासप्रिय शासक था, तो उसको ये लगा कि क्यों न यह उपयुक्त मौका है सरफराज खां को अपदस्त करके बंगाल का शासक बनने की। वह तुरंत मुर्शिदाबाद की ओर जाता है और 10 अप्रैल 1740 ईस्वी को गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को पराजित कर उसकी हत्या कर देता है और बंगाल का शासक कौन बन जाता है, अली वर्दी खां। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, अली वर्दी खां और सरफराज खां के बीच। चलिए एक प्रश्न और मैं यहां से लेता हूं, इस प्रश्न को एक प्रश्न और लेता हूं आपके सामने, थोड़ा सा मॉडरेट करके, थोड़ा सा टफ करता हूं, इसी टॉपिक का प्रश्न होगा, लेकिन प्रश्न नंबर 3 मैं ले रहा हूं आपके सामने, चलिए अली वर्दी खां ने एक तीसरा प्रश्न लेता हूं आपको, जी तीसरा प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूं, सिराजुद्दौला को निम्न में से
किससे कठिनाई थी? सिराजुद्दौला को निम्न में से किससे कठिनाई थी? ऑप्शन सुनिएगा, एक थोड़ा कूट वाला प्रश्न मैं रख लेता हूं, कूट सुनिएगा। नंबर एक पर है, अपनी मौसी समा बेगम से ऑप्शन बी, अपनी मौसी के लड़के शौकत जंग से ऑप्शन सी, अब एक मिनट सॉरी, अली वर्दी खां के बहनोई मीर जाफर से, ये कूट हो गए, तीन कूट हमने दे दिया। अब कूट के अनुसार प्रश्न को कैसे कठिन किया जा रहा है? प्रश्न आप देखेंगे जब इस वीडियो को, तो ये तीनों चीजें आसान लगेगी, लेकिन अब कूट को से कैसे आपसे प्रश्न कठिन कर दिया जाता है? ऑप्शन सुनिएगा, ए केवल एक और दो सही है, ऑप्शन बी है केवल तीन सही है, ऑप्शन सी दो और तीन सही है, और ऑप्शन डी है एक दो और तीन तीनों सही है। मॉडरेट कर दिया हमने इस प्रश्न को। अब आपके सामने जब यह प्रश्न आएगा तो आपको लगेगा कि प्रश्न थोड़ा कठिन था। कैसे आपको पता चलेगा कि प्रश्न का स्तर कठिन होता है? तो इसी तरीके से आपके प्रश्न वही हैं जो आपने पढ़ा है, वही है, लेकिन थोड़ा सा मॉडरेट करके कठिन उसको बना देता है, और हमारा एक तरीके से तुलनात्मक हमारी जो बौद्धिक क्षमता है उससे प्रश्न हमसे पूछ लेता है कि क्या आप रट कर आए हैं, कि इसको समझ कर आए हैं, कि इसकी तुलना भी कर सकते, तुलना तभी कर सकते हैं जब आप बौद्धिक स्तर पर उसे इसकी समझ रखते हो। यदि बौद्धिक स्तर पर उस प्रश्न को या उस टॉपिक को नहीं समझते हैं, उस टॉपिक की समझ नहीं रखते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे प्रश्न आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। आपको लगेगा सब सही है, कभी कभी ऐसा लगेगा कि दो ही सही है, कभी लगेगा एक ही सही है। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? सिराजुद्दौला को निम्न में से किससे कठिनाई थी? तीन स्टेटमेंट दिए हैं, पहला अपनी मौसी समा बेगम से, अपनी मौसी के लड़के शौकत जंग से, और तीसरा अली वर्दी खां के बहनोई मीर जाफर से। तो जब इस वीडियो को, इस जो टॉपिक हमने डाला था उसमें एक छोटा सा टॉप पार्ट केवल था उसका, 18वीं शताब्दी में बंगाल की क्या स्थिति है, ये पार्ट था, लेकिन जब इस चैप्टर को पूरा डिटेल करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि सिराजुद्दौला को जो है किससे किससे कठिनाई थी। जब वो गद्दी पर बैठा, अली वर्दी खां जब अप्रैल 1756 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो अब इस प्रश्न का मैं डिटेल कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 1756 ईस्वी में जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो चूंकि अली वर्दी खां को कोई पुत्र नहीं था, तो उसने अपनी, उसकी तीन बेटियां ही थी, तीन बेटियां थी अली वर्दी खां को, तो जो सबसे छोटी बेटी थी उसका लड़का जो था मिर्जा मोहम्मद, उसका नाम था, क्या नाम था? मिर्जा मोहम्मद। और यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि सिराजुद्दौला के बचपन का नाम क्या था, तो सिराजुद्दौला के बचपन का नाम था मिर्जा मोहम्मद।
तो मिर्ज़ा मोहम्मद को वह अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है। पहले अपनी जीवित रहते ही वह मिर्ज़ा मोहम्मद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है। उसकी मृत्यु के बाद मिर्ज़ा मोहम्मद सिराजुद्दौला के नाम से बंगाल का शासक बनता है। लेकिन जब वह बंगाल का शासक बनता है तो तीन जगहों से रोड़े अटकाए जाते हैं उसके ऊपर। पहला, उसकी जो मौसी थी उसका नाम समा बेगम नहीं था, यानी छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान में रखना है आपको। उसकी मौसी का नाम समा बेगम नहीं था, बल्कि उसकी मौसी का नाम था घसीटी बेगम। ठीक, तो आयोग आपसे छोटी छोटी चीज़ें से भी प्रश्न जानना चाहता है कि इन छोटी चीज़ों को जानते हैं कि नहीं। ये तो सही है, उसकी मौसी ही थी, लेकिन उस मौसी का नाम समा बेगम नहीं था, उसकी मौसी का नाम था घसीटी बेगम। तो यह प्रश्न, यह स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अपनी मौसी समा बेगम से नहीं, अपनी मौसी घसीटी बेगम होता तब यह कथन सही होता। अपनी मौसी के लड़के शौकत जंग से, ठीक, यहाँ तो मैंने थोड़ा सा आसान कर दिया है, थोड़ा इसको कठिन भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी मौसी का लड़का था शौकत जंग, जो कि पूर्णिया का सरदार भी था, पूर्णिया का सरदार था जिसका नाम शौकत जंग था। तो शौकत जंग से भी उसको समस्या थी जब गद्दी पर बैठा, और उसका मौसा, उसका मौसा अली वर्दी खां की, चूंकि वह बेटी का बेटा था, तो अली वर्दी खां का जो बहनोई था वो मिर्जाफर था, जो बंगाल का सेनापति भी था, तो उसका, अली वर्दी खां का बहनोई जो उसका खुद का मौसा था, यानी मिर्जाफर रिश्ते में सिराजुद्दौला का मौसा था और अली वर्दी खां का बहनोई भी था वह, तो अली वर्दी खां के बहनोई मिर्जाफर से। तो ये दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। अब इसको पता है आपको, तब इसी के अनुसार आपको कूट का चयन करना है। ऑप्शन कह रहा है एक दो सही है, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन बी कह रहा है केवल तीन सही है, तो दो भी सही है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी कह रहा है कि दो और तीन सही हैं, और ये आज का स्टेटमेंट भी आपने देखा, चेक किया तो दो और तीन सही थे, सही उत्तर ये हो जाएगा। और डी कह रहा है एक दो तीन तीनों सही हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, सी, दो और तीन सही हैं। ऐसा समझ में, तो इस तरीके से सरल, मॉडरेट और कठिन क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और इसीलिए मैं कहा। लेकिन सिर्फ आपको दो चीज़ों पर ध्यान रखना है, एक तो एनसीईआरटी पढ़नी है, हो सके तो कहीं से पुरानी एनसीईआरटी यदि आपको मिल जाए तो उसमें थोड़ा और अच्छा दिया हुआ है, उस पुरानी एनसीईआरटी को आप ले लीजिएगा, और हमारे एक एक वीडियोस को, एक एक लाइन को बहुत ढंग से सुनिएगा, समझिएगा, तो आप तीनों तरीके के क्वेश्चन जो हैं, आसान, मॉडरेट और कठिन, तीनों तरीके के क्वेश्चन आप हल कर ले जाएंगे। चलिएगा, इसी के साथ आपसे विदा लेने का वक्त आता है। धन्यवाद।